अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? मेरी दुआ है कि आप जहाँ पर भी रहते हो, आपको आप सबको अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सब की दुआएं हैं और आप सबका प्यार है। तो मॉर्निंग से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट किया है। आज का दिन बहुत बिजी जाने वाला है, काफ़ी कुछ है आज के व्लॉग में और बहुत कुछ करना है। तो बिजी बिजी दिन गुजरेगा आज का। तो बस दिन का आगाज़ हो गया है और यहाँ पर मैं अपने लिए एक दवाई संभाले तैयार कर रही हूँ, जिसकी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। इसको मैंने हाफ ग्लास पानी में 2 चम्मच डाला है, 2 टेबलस्पून डाला है मैंने इसको। और गर्म थोड़ा सा पानी है, लूक वार्म संभाले जिस तरह जिसको कहते हैं, तो उसमें मैंने इसको डाल के मिक्स करूँगी। और ये मैंने खाली पेट पीना होता है और ये मैंने स्टार्ट किया अभी। ये एक हकीम की दवाई है और ये मैंने शुरू किया अपने माइग्रेन के लिए। और ये मुझे सुबह खाली पेट पीना होता है और रात को सोने से पहले खाने के 2-3 घंटे गुजर जाने के बाद, यानी कि जब डिनर कर लूँ 2-3 घंटे गुजर चुके हों उस वक्त इसको मैंने पीना होता है। अभी मैंने इसको स्टार्ट किया है, फ्यू डेज़ हुए हैं, अल्लाह करे मुझे इससे आराम आ जाए। बच्चों की वेकेशन ख़त्म हो गई है, 2-3 दिन में स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और बिज़ी डे हो जाएंगे। आज हम लोग आए हैं मरियम और ईमान के स्कूल, माशाल्लाह से वो मिडिल स्कूल में चली गई हैं। आज हमारी उनकी टीचर्स के साथ मीटिंग है और आज पता चलेगा कि उनकी टीचर कौन सी हैं और उनका क्लासरूम कौन सा है। इस वक्त बनाया मैंने अपने लिए और बच्चों के लिए नाश्ता, और नाश्ते में सबका डिफरेंट नाश्ता था। मैंने अपने लिए चाय बनाई है, उसके साथ मैंने बेगल लिया है, उसके अंदर मैंने एग लगाया है। तो अब कर लेते हैं किचन का थोड़ा सा काम, और उसके बाद क्योंकि मुझे थोड़ा जल्दी, मैंने आज अपना किचन का काम स्टार्ट किया है क्योंकि थोड़ी देर के लिए बाहर भी जाना है। और यहाँ सबसे पहले मैं अपने आटा गूंदूंगी और आटे को सबसे पहले मैं छानती भी हूँ। यहाँ पर आटा हालांकि साफ़ होता है लेकिन एक आदत पड़ी हुई है शुरू से ही, अम्मी की तरफ भी, अम्मी के घर में भी और ससुराल में भी ऐसे ही आटे को छान कर इस्तेमाल किया जाता था। तो यहाँ पे भी मैं इसलिए छान के इस्तेमाल करती हूँ। ये देखें जिस तरह कि अब थोड़ा सा 1-2 कीड़े निकल आए हैं, इससे तरह हो जाता है अक्सर, लेकिन ज़्यादातर यही होता है कि आटा माशाल्लाह से बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन एहतियात के तौर पे मैं इसको हमेशा छान कर ही गूंथती हूँ। और ये प्यारी सी छाननी जो कि आप देख रहे हैं, ये मैं पाकिस्तान से लाई थी और ये मैं 2 लेके आई थी। इतनी अच्छी निकली है इसकी क्वालिटी, और प्राइस भी इसकी कुछ ज़्यादा नहीं है, 130 रुपीज़ की थी पाकिस्तानी, 130 रुपये की ये 2 मैं लेके आई थी। तो मतलब कि ईच जो थी एक 130 रुपीज़ की थी। तो अभी मैंने एक ही इस्तेमाल करनी शुरू किया, दूसरी मैंने रखी हुई है और इसको ही कुछ नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह से। पाकिस्तान में चीज़ें कुछ ऐसी होती हैं बहुत अच्छी मिल जाती हैं। और आटा गूंदने के बाद मैंने अब खाना पकने के लिए रख दिया है। आज खाने में मैं बना रही हूँ वाइट लोबिया, और लोबिया मैं सुबह ही मैंने भिगो दिया था, आराम से 2-3 घंटे भिगा रहा, माशाल्लाह से इतना अच्छा वो हो गया। तो यहाँ पे मसाला मैंने बनाया है, इसकी कंप्लीट रेसिपी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मेरे लाइफ इज़ सायमा के चैनल पर मौजूद है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा या मैं आपको कमेंट जो है उसको पिन कर दूँगी। वाइट लोबिया को मैं हाल ही पका रही हूँ। मेरे जो लाइफ इज़ सायमा के चैनल पर लोबिया का की रेसिपी है वो मैंने कीमे के साथ बनाई है, वो भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार तैयार होती है, तो मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूँगी, आप कीमे के साथ ट्राई कर लीजिएगा, बहुत मज़ेदार लगेगा आपको इंशाल्लाह ताला। और आपको मैंने मुबारकबाद भी देनी थी, आज इस्लामी साल स्टार्ट हो गया है, तो आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक हम सबको इस महीने के में हर तरह की हमारी दुआएं कबूल फरमाए, हर तरह की मुश्किलें जो होंगी अल्लाह पाक हमारी दूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन, और हमें खूब तरक्की दे, कामयाबियां दे, नेक इंसान बनाए, आमीन। लोबिया का सालन माशाल्लाह बहुत जल्दी से तैयार हो गया था
और क्योंकि मैं सारी दालें जो हैं प्रेशर में पकाती हूँ, जल्दी से तैयार हो जाती हैं, टाइम भी सेफ होता है। और यहाँ पर ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है, और इसके अंदर बस अभी मैंने हरा धनिया डालना है और गरम मसाला पाउडर डालना है, तो ये माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये लोबी का सालन मैंने काली मिर्च में तैयार किया है, और आप काफ़ी दिन से देखे होंगे कि मैं काली मिर्च में ही अपना खाना तैयार कर रही हूँ, क्योंकि जो मेडिसिन मैंने स्टार्ट की है हकीम साहब की, उन्होंने मुझे रेड चिली पाउडर यूज़ करने से मना किया है, सो इसीलिए खाना मैं काली मिर्च में बना रही हूँ। आज करेंगे हम बैक टू स्कूल की शॉपिंग, और बहुत ज़्यादा चीज़ें तो ख़रीदने वाली नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो चाहिए थी। यहाँ पे मैं सबसे पहले बच्चों के लंच बॉक्सेस लेने आई हूँ, और मरियम इमान के बैग के साथ ही लंच बॉक्स थे, लेकिन तहीरा आशा के लिए मुझे सेपरेट बाय करने पड़ेंगे। लंच बॉक्स और लंच बैग मैंने किचन स्टफ़ प्लस से लिए हैं, तो अच्छे वहाँ पे डील थी, मैंने ले लिए हैं। और इसके साथ ही हम लोग बाद में आए हैं अब वॉलमार्ट में बच्चों की स्टेशनरी की चीज़ें आराम से बड़ी अच्छी रीज़नेबल प्राइस में और बहुत ज़्यादा ह्यूज वैरायटी होती है, मिल जाती हैं। और यहाँ पर हमने अपनी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है, बच्चों ने स्नैक लिए हैं स्कूल के लिए, इसके अलावा बाइंडर्स चाहिए थी, ज़्यादा लंबी चौड़ी शॉपिंग नहीं थी इस दफ़ा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चे ने ऑलरेडी समर में जैसा शूज़ हो गए, क्लॉथ हो गए, उनके पास उन्होंने बाय कर लिए हुए थे, तो बस यहाँ पर हम लोग पेमेंट के लिए खड़े हैं। और ये देख लें ढेर सारी चॉकलेट्स की वैरायटी, और वॉलमार्ट ने अपनी हेलोवीन की तैयारी शुरू कर दी है। डिनर में ऑर्डर किया था हमने पिज़्ज़ा, और आज का पिज़्ज़ा मेरा फेवरेट पिज़्ज़ा है, क्योंकि मैंने अपनी पसंद की टॉपिंग करवाई है। मेरी फेवरेट टॉपिंग है हलाल चिकन और ग्रीन ऑलिव्स और इसके साथ ऑनियन, और मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसकी टॉपिंग। और यहाँ पर आप भी ज़रूर बताइएगा कमेंट करके कि आपकी फेवरेट टॉपिंग कौन कौन सी है। तो यहाँ पर करेंगे हम लोग अपने पिज़्ज़े को एंजॉय, माशाल्लाह से बहुत अच्छा दिन गुजर गया, हराफे से गुजर गया, यही भी बहुत बड़ी बात है। तो अल्लाह पाक हम सब को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, यही दुआ है अल्लाह पाक से। और आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, आई होप पसंद आया होगा, तो कमेंट ज़रूर किया करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।